Next is your size of anions. Now, in the case of size, you know that how we prepare any anion. Anion always gains the electron. Okay, so यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियस है, इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे फिल कर रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट उस पर ऑर्बिटल्स पे. अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आओगे, पहले तो न्यूट्रल था, दिस थिंग वॉज न्यूट्रल बिकॉज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे. अब अगर आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें पुट किया तो रिपल्शन होगा, एक दूसरे के बीच में रिपल्शन होगा, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी बिगर इन साइज. तो साइज ऑफ अनायन को अगर हम उसके पेरेंट एटम से कंपेयर करेंगे, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर. सो यू कैन राइट डाउन हियर, अनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द parent atoms, because in anion nuclear charge per electron, or you can say that Z star, decreases as a result atomic electron, you can say that electron cloud expands and thus size increases. Okay, what is this Z here? Z is your number of protons basically. Okay, so number of protons are always your positively charged. So this number of this positively charged nucleus, it always attracts the electrons towards itself. Okay, but when you are adding an extra electron with this charge, okay, now it has to pull this one extra electron also towards itself, and it does not have that much of power, because उसके पास जितने electrons थे उनको तो वो already pull कर दिया था, ये इसका काम नहीं है, तो extra आ गया. एक्स्ट्रा को पुल करने की पावर जो होती है उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी बोल रहे कि हम ऑलरेडी न्यूट्रल है, तुम क्यों आके हमारी न्यूट्रलिटी खराब कर रहे हो. ठीक है, तो वो उसको रिपेल भी करते हैं, तो रिपेल करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ऑलवेज जो अनायन का साइज होगा उसके पेरेंट एटम के साइज से, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर. अगर हम जेड बाई ई के रेशियो में बात करेंगे, that is in terms of Z by E ratio. Okay, तो अगर मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, लेट्स से, तो क्लोरीन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होगा. इसका अगर हम Z by E ratio निकालेंगे, that is 17/17, which is 1. अब अगर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिया, तो मैं Cl- की बात कर रही हूँ, प्रोटॉन विल स्टिल बी सेम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो कुछ चेंज आया है नहीं. न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वहाँ पे आपने कुछ चेंज नहीं किया, बट इलेक्ट्रॉन आपने एक एक्स्ट्रा दे दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास, 18. तो अब अगर आप जेड बाई ई का रेशियो निकालोगे, दैट मीन्स इट विल बी 17/18 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.95. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एज जेड बाई ई रेशियो decreases, atomic size increases. Got it? लिखो ये. हाँ संपदा, इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को कर रहा है, बिकॉज जब बाकी इलेक्ट्रॉन्स को कर रहा है वो तो उस टाइम पे न्यूट्रल है. अब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक तो इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन भी फील हो रही है, और ऊपर से जेड का पावर भी इतना ज्यादा नहीं है. ओके,
छोटा सा क्वेश्चन करते हैं साइज के बेसिस पे ही. फर्स्ट है, आपको बस बताना है कि किसका साइज ज्यादा होगा, किसका साइज कम होगा. What is the order of size? This is your question. Solve this. ओके चलो, इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है. अनायन का साइज हमेशा ज़्यादा होगा उसके पेरेंट एटम से, तो ऑफ कोर्स ऑर्डर ऐसा होगा. अगेन इसका ऑर्डर ये होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा साइज बढ़ेगा, तो दिस ऑर्डर विल बी लाइक दिस. लास्ट वाले में कटायन भी है, न्यूट्रल भी है और अनायन भी है, तो ऑफकोर्स कटायन का साइज क्या होने वाला है, सबसे कम. कटायन का साइज सबसे कम होगा, कटायन का अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है और अनायन अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा. Got it? क्रिश, आपने ऑर्डर उल्टा लिखा है, मतलब जो आंसर मुझे सेंड किया उसमें उल्टा लिखा हुआ है ऑर्डर. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट वन इज योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ओके, नेम से ही यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है हमको कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स. सो ऐसे स्पीशीज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सेम होगा. सो इसमें लिख लो सीरीज हैविंग same number of electrons but different magnitude of nuclear charge is known as isoelectronic species. अभी एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा समझ में आएगा. लेट्स टेक द एग्जाम्पल हियर. आई हैव N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, देन Na प्लस, Mg प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3 एंड लास्ट में चलो इतने एग्जाम्पल काफ़ी है. ठीक है, तो अब अगर मैं इन सब स्पीशीज में काउंट करूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रोटॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स. तो नाइट्रोजन पे प्रोटॉन्स कितने होंगे, 7, बिकॉज एटॉमिक नंबर 7 होता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 तो रहेंगे ही, साथ में नेगेटिव चार्ज है, मतलब 3 एक्स्ट्रा. तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे ही O2 का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी योर 8, बट इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 8 प्लस 2 10. फ्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर होगा 9, बट इलेक्ट्रॉन्स होंगे 9 प्लस 1 क्योंकि एक ही नेगेटिव चार्ज है, 10. सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 10 और एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 11, आई एम सो सॉरी, और एक उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10. मैग्नीशियम के केस में एटॉमिक नंबर होता है 12, 12 में से दो इलेक्ट्रॉन हटा दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स.
यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 13, 3 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो डिफर कर रहे हैं, बट इन सारे केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, सेम है। दैट मीन्स दैट कि दीज आर योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड ऑल्दो दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट ऑन देम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, है ना। अब अगर आपसे पूछे कि ये तो ऑर्डर हो गया कि दिस इज योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ऑर्डर, नॉट ऑर्डर लाइक एग्जाम्पल्स, एक और पॉइंट है इसमें, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज एज मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं लेट्स से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैग्नीशियम के जो न्यूक्लियस में 12 की पावर है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 10। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा हो गया, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 है, पर बाहर इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 10 है, तो कौन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से पुल करेगा? ऑफकोर्स एल्यूमिनियम। तो जब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो साई जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जितना ज़्यादा वो अपनी तरफ पुल करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो जाएगा, तो साइज उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम अगर बात करें जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड आ रहा है न्यूक्लियर चार्ज का उतना ही आपके पास साइज कम होने वाला है, क्योंकि वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पावर से पुल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे ऑर्डर लिखना है साइज के केस में, तो सबसे ज़्यादा N3 माइनस, देन O2 माइनस, देन F माइनस, देन Na प्लस, देन Mg प्लस 2, और सबसे छोटा होगा साइज में एल्यूमिनियम प्लस 3। बात समझ में आई? यस और नो? इज दिस क्लियर? जल्दी से बताओ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, आई हैव हियर फॉस्फोरस 3 माइनस, सल्फर 2 माइनस, Cl माइनस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम प्लस 2 एंड स्कैंडियम प्लस 3। ठीक है, अब हम अगर इनको स्कैंडियम नहीं, सिलिकन, स्कैंडियम ही कर लो, ठीक है, स्कैंडियम हमारे पास। अब अगर हमको इसमें ऑर्डर पूछ रहा है तो सेम लॉजिक लगाना है हमको। ओके, what we have to do is first number of protons or number of electrons find out कर लो, इधर proton इधर लिख लो electrons। protons की अगर बात करोगे, phosphorus का atomic number 15 होता है, sulfur का atomic number 16 होता है, chlorine का 17, potassium का होता है 19, calcium का होता है 20, scandium का होता है 21। अब electrons की बात करोगे, 15 plus 3 18 electrons, 16 plus 2 18 इलेक्ट्रॉन, 17 प्लस 1 18 इलेक्ट्रॉन्स, 19 में से प्लस चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, 20 में से 2 रिमूव किए 18 इलेक्ट्रॉन्स, 21 में से 3 रिमूव किए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा साइज क्या होने वाला है, डिक्रीज। तो वॉट विल बी द ऑर्डर हियर फॉर द एटॉमिक रेडियस, दिस वन।
नहीं संप्रिता, जो आप बोल रहे हो वैसा मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया है। आई हैवंट गिवन दैट स्टेटमेंट कि जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही ज़्यादा छोटा चार्ज होगा। वो बहुत वेरिएबल है, कंपेरेबल है। मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ उस पर डिपेंड करेगा। मैं ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकती। वॉट आई एम सेइंग कि इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और इनका मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है। मतलब न्यूक्लियस कितना चार्ज लगा रहा है वो आपके पास डिफरेंट है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर पे चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, और जितना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा उतना ही साइज डिक्रीज होगा। दिस इज वॉट आई एम सेइंग, नॉट द स्टेटमेंट विच यू आर सेइंग। क्लियर प्रशस्ति, अभी समझ में आया? आई हैव रिपीटेड इट, समझ में आया? यस प्रशस्ति, जितना ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है उतना ही कम पुल कर पाएगा ना वो इलेक्ट्रॉन को, और जितने ही ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए तो उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तो बात हो रही है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे। ओके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो छोटा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? ठीक है, जैसे फर्स्ट है Cl- CO एंड NO, NO प्लस कर दो। सेकेंड इज योर SO2, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस। थर्ड NH3, CH3 माइनस, H3O प्लस। एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन में मैं बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको पूछा है कि कौन कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। मतलब आपको साइज नहीं पूछा कि किसका साइज़ ज़्यादा होगा किसका साइज कम होगा, तो आपको प्रोटॉन्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बस बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस किस में सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे और आप चेक करोगे कि किस में सेम है, एंड दैट सीरीज विल बी योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। पहले वाले की अगर आप बात करो, अब ये सारे स्पीशीज़ तो सिंगल वाले मैंने बताए, सिंगल एलिमेंट, और यहाँ पे आपके सब अनायन फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। तो कार्बन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। नाइट्रोजन के पास कितना होगा? 7 है ना? यस और नो, सही है कि नहीं है? सब गायब हो गए कहाँ पे? हाँ, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होगा। सब ऐसी सो के सब सो रहे हैं और कुछ सुन नहीं रहे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14। कार्बन का अगेन 6। ऑक्सीजन होता है कितना? 8। कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन इज 7, ऑक्सीजन इज योर 8, टोटल 15। बट एक प्लस चार्ज भी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करो। -1 इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पहला वाला तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। सेकंड वाला काउंट करो, यू हैव योर सल्फर। सल्फर के कितना होता है एटॉमिक नंबर? अब ये धीरे धीरे सब सब एटम्स के एटॉमिक नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? अब यू कांट गिव मी एक्सक्यूजेस कि मैम याद नहीं है। धीरे धीरे याद करो। सल्फर इज योर 16, ओके? ऑक्सीजन इज योर 8, लेकिन दो ऑक्सीजन है तो 8 × 2, दैट मीन्स टोटल 16 × 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। CO3 2- की बात करोगे, कार्बन 6, ऑक्सीजन पे होता है 8। एटॉमिक मास की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं।
तो कितना हो जाएगा अगेन 32 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन पे होता है 7 प्लस 2 ऐड भी करोगे क्योंकि दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन पे होता है 7, 3 × 8, एक नेगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आया होगा, काउंट करोगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाइट्रोजन इज 7, हाइड्रोजन इज 3, दैट मीन 10 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन इज 6, हाइड्रोजन इज 3, एक नेगेटिव चार्ज है तो +1, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन इज 3, ऑक्सीजन इज योर 8, और एक प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, -1, दिस इज योर 10 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑल ऑफ द अबव। एनी डाउट? लिखो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। इन ग्रुप एंड पीरियड, लाइक पीरियड एटॉमिक साइज जो है ग्रुप में कैसे वेरी करेगा एंड पीरियड में कैसे वेरी करेगा। आई विल टेक द अटेंडेंस अभी, ठीक है? तो जाना नहीं है, तो बाद में मत बोलना कि मैम ने एब्सेंट मार्क कर दिया। ओके फाइन, अब हमको बात करने की अक्रॉस द पीरियड क्या बात, क्या वेरिएशन होने वाला है और इन द ग्रुप क्या वेरिएशन होने वाला है। पहले बात करते हैं हम इन द ग्रुप, या फिर बोल सकते हो डाउन द ग्रुप। So here on moving, down the group, atomic size increases. So down the group जब आप आ रहे हो तो atomic size क्या होने वाला है, increase होने वाला है। Why? As the number of shells increases, ठीक है? अब हम example की बात कर रहे हैं। I will be explaining you with the example of lithium and sodium. ऊपर lithium होता है, then sodium होता है। Lithium में this is your nucleus, one shell and second shell. एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का 3, तो दो इलेक्ट्रॉन इस शेल में रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में। अब अगर सोडियम का एग्जांपल ले, दिस इज योर न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करेंगे, यहाँ पे दो रहेंगे, दिस विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। यस और नो? तो ऑल्दो टॉप टू बॉटम जब आप आ रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास 3 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 थे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी 3 थे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, बढ़ के 11 हो गए। तो जब ये हम फर्स्ट लिथियम से जब हम सोडियम की तरफ आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल भी आपका इंक्रीज हो रहा है। अब जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, बट न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, डोमिनेटिंग फैक्टर हो रहा है आपके पास इंक्रीज इन द शेल नंबर। सो यू कैन राइट डाउन हियर, ऑल्दो
nuclear charge is also increasing, but increase in shell number is the dominating effect. So धीरे धीरे ग्रेजुअली वॉट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे और जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. गॉट इट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड क्या होने वाला है यहाँ पे? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आई थिंक आई शुड लाइक जस्ट वन मिनट. अभी मैं सबका साइज इस तरीके से अलग अलग नहीं बता रही हूँ, बट यू नो दैट. ओके ओके वन सेकेंड. Okay, so you can see the periodic table here, everyone. Okay, just 1 minute. Okay, yes. Now I think periodic table will be visible. So in this, when we are coming from top to bottom, okay, here lithium to francium, atomic size will be increasing because the number of shells will be increasing. Beryllium to radium, atomic size will be increasing. Okay, same will be the cases of here, all in the groups. From here to here, from here to here, from here to here, everywhere your size is going to increase from top to bottom. Is it clear?